बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के लाने, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके लाने और बड़ी खबर है दो ही प्रदेशों के लाने। खबर जहां है कि उमा भारती ने एक बार फिर से चुनाव नहीं लड़वे को ऐलान कर दो। उमा भारती ने पहले भी घोषणा करी थी कि भी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके अटकलें लग रही थी कि भी चुनाव लड़ सकती और झांसी ललितपुर सीट पर एक बार फिर से उनकी दावेदारी तय हो गई थी। मध्य प्रदेश की भी दमोह, खजुराहो और भी बहुत सारी सीटों पर उनको नाम चल रहा हो तो, लेकिन उमा भारती ने एक बार फिर ऐलान कर दो कि भी चुनाव नहीं लड़े। इस बारे में उनने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखे और पार्टी से गुजारिश करी कि पार्टी बात को ऐलान करे कि इस बार उमा भारती चुनाव के मैदान में नहीं उतर रही। उनने सीधे तौर पर, उमा भारती ने जो वर्तमान में झांसी ललितपुर की सांसद हैं, केंद्र की मंत्री हैं, उनने ट्वीट करे हैं आज बहुत सारे। और पहले ट्वीट में उन्होंने लिखे है कि प्रिय मित्र, जैसा कि मैंने पूर्व में घोषित किया था उसी को पुनः दोहराते हुए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध दोहराया है ताकि पार्टी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दे। दूसरे ट्वीट में लिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान चौकीदार हैं, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता चौकीदारों की फौज में शामिल हैं, इसलिए मैं जीवन की आखिरी घड़ी तक इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति चौकस रहूंगी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने लिखी कि इबे चुनाव नहीं लड़ रहा लेकिन राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लिखी है कि मैं जीवन के आखिरी सांस तक राजनीति से रिटायर नहीं होंगी तथा मरते दम तक गरीब आदमी के अधिकारों के लिए राजनीति करती रहूंगी। इस तरह के बहुत सारे ट्वीट करे हैं, चार पांच ट्वीट लगातार उमा भारती ने करे और उमा भारती ने सीधे तौर पर यह घोषणा करी कि वे चुनाव के मैदान से हट रही। इनकी वजह का है व्यक्तिगत है और जो उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम वजहें बताई जा रही, बहुत सारे ऐसी सवाल हैं। लेकिन उमा भारती ने जो अटकलें तमाम लग रही थी झांसी ललितपुर सीट से लड़वे की, मध्य प्रदेश से लड़वे की, उन पर विराम दे दो और बड़ी एक नई तरीके की सुगबोगाहट अब झांसी ललितपुर सीट पर शुरू हो जाए। उमा भारती के विकल्प के तौर पर की को नाम सामने आऊने का, वो नाम उमा भारती की पसंद से आए या उमा भारती के विरोधी को आए, जो अब देखने वाली बात हुई है। लेकिन बहुत सारे भाजपा के नेताओं में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई कि उनके लाने जगह खाली हो गई, एक ऑप्शन खुल गया झांसी ललितपुर संसदीय सीट पे। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बोछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बोछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।